Yes, next in property series is declared conditions. So what are declared conditions? As we have discussed, Fourier series ke liye hai, fx equal to a naught upon 2 plus summation a n cos and x plus b n sin x. जिसे भी जैसे a naught a n b n constants find करने हैं जो अपने Fourier constants. Now declared conditions according की आ रहे हैं b if फंक्शन इज पीरियोडिक सिंगल वैल्यू एंड फाइनाइट. फंक्शन पीरियोडिक है और उसी वैल्यू क्या है, फाइनाइट है, जो कि एग्जिस्टेंस प्रूव करती है, भी वैल्यू एग्जिस्ट करती है. नेक्स्ट, फंक्शन हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी इन एनी पीरियड और उसकी है फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्कंटिन्यूटीज है. fx हैज मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज और जो उसकी वैल्यूज है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज है हमें क्यों की है फाइनाइट है, पर इतने कुछ भी जो है इन्फिनिटी नहीं है. इतने हर एक चीज जो है पीरियोडिक है, फाइनाइट है, एग्जिस्ट कर रही है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसमें फाइंड की में करना है एट द पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटीज सम ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस जीरो. दिस मीन्स की करना है, ऐसे मीन फाइंड करना है और ये दो वैल्यूज की है अपनी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो है अपनी लिमिट्स है जो आप पहला फाइंड करते थे जिसका आप दोनों वैल्यूज का की लेना है अपने मिलियन. सो डिक्लेयर्ड कंडीशंस क्या है, अभी जो हमारा फंक्शन है वो फाइनाइट है, पीरियोडिक है, उसकी फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्कंटिन्यूटीज है और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज है और जो तो फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है. सो फंक्शन की वैल्यू के लिए इसे की करेंगे, ऐसे ही मीन लवेंगे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जो लिमिट्स है उसका मीन लेके बेटे जो अपने को लेके आ जाएगा एफ एक्स आ जाएगा एट द पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चंस ऑन डिक्लेयर्ड कंडीशंस.